मुझे जाना पड़ेगा। जागन जागुरर चिसान विदधत पट्टांबर सश्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसदाम विरामोदरं राधास्कंध निवेशित जलभुजं भक्ता विहीना अपराध लक्षणी क्षिप्त्वाश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक साथ हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर एवं समस्त गुरुवर्ग की श्रीचरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर त्रिदंडीपाद गणे चरणी सतकोटि नमन वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग गुरुवर्ग की कृपा से आज सबसे पहले नारद कुंड फिर श्यामतलैया रत्नवेदी रत्न सिंहासन रत्न कुंड होकर ग्वाल पोखरा फिर किल्लोल कुंड होके मठ में वापिस आए। श्री रामचंद्र पहले से मुझे बताया था वो लोग कल सुबह चले जाएंगे, ये सबसे पहले रामचंद्र सुयोग देता हूँ 15 मिनट के अंदर अपने वक्तव्य पेश करें। घड़ी सामने है, मुझे आनंदित होकर ताली बजाना न पड़े। कौन सा जाएगा? यही जाएगा। जातम सगण रघुनाथन विंतम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्विता अज्ञान तिमरंधस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्य गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित त्रिदंडी स्वामियों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ऑल इन वन नहीं, सेपरेटली, अलग अलग। समस्त उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। एकादशी से लेके पूर्णमासी तक हम भीषम पंचक इसका पालन कर रहे हैं। जो मठ में रह रहे हैं उनका तो भीष्म रूप से ही इसका पालन हो ही रहा है। किसका? भीष्म पंचक का। भीष्म रूप से मतलब खूब अच्छे तरीके से खाने पीने की मेन चीज है। सुबह मंगल आरती में आते हैं, शाम को कथा सुनते हैं, और अधिक क्या करेंगे। और परिक्रमा साथ में कर रहे हैं। कल अंतिम परिक्रमा है आप लोगों की, बरसाना की परिक्रमा। और आज भी आपने बड़ी सारी परिक्रमाएं की, गोवर्धन के अंतर्गत में ही की सारी परिक्रमाएं। देखो, मैं गुरुदेव के कुछ शब्दों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भगवान के धाम में लोग रहते हैं उनका कभी पतन नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं, यत गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ जाने के बाद आदमी नहीं गिरता वो मेरा परम धाम है। फिर कहाँ से गिरा? हम भगवान के चेतन अंश हैं, समझना इस चीज को। अब चेतन अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं, वो भी चेतन है। और जो धाम में रहते हैं वो भी चेतन अंश हैं, वो परिकर कहलाते हैं, वो नहीं गिरते हैं। तो हम क्यों गिर गए? तो हमारी तटस्था में अवस्था होने के कारण, समझना, तटस्था में अवस्था होने के कारण हम गिर गए। जैसे ब्लेड की धार पर कोई भी चीज रखी जाए, पतली से पतली, जैसे ये बाजरे का दाना ब्लेड की धार पर रखो, कितनी देर टिक सकता है? ऐसे ही तटस्था शक्ति पर हम टिक नहीं सकते, या दाएं गिरेंगे या बाएं गिरेंगे। अब किसी तरह से हम यहाँ गिर गए। कहाँ गिर गए? बाएं गिर गए, हमारा पतन हो गया। लेकिन एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हम सब चेतन अंश होने के कारण हैं भगवान के सेवक। गुरुदेव बोले, मैंने उनकी कथाएं सुनी और अब उनकी कैसेट सुन रहा हूं रिपीट, तो अब वो चीज़ें और ज़्यादा अंदर घुस रही हैं। आज से 15-20 साल पहले इतनी नहीं घुसी थी जब मैं ट्रांसलेशन किया करता था। अब मैं जब सुन रहा हूँ, क्या बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं, ये भाव हर जीव में कभी ना कभी आना ही आना है, रुक नहीं सकता। भगवान की सेवा की वृत्ति जागनी ही जागनी है, रुक नहीं सकती। कितने भी हम पतित क्यों ना हो, कितने भी गिरे हुए क्यों ना हो, नरकों से घूम के फिर के आके मनुष्य जीवन में आ गए हैं। अमेरिका में पैदा हो या भारत में पैदा हो,
भगवान की सेवा की भावना वासना इच्छा जागृत होनी ही होनी है, पर एक उसके लिए जरूरी चीज है। क्या जरूरी चीज है? वो जरूरी चीज है कि साधु संग हो जाए, ऐसे भक्तों का संग हो जाए, तभी ये संभव है। तो हम कितने भी गिरे हुए हों, कितने भी पतित हों, अगर साधु का संग मिल जाता है तो गिरावट की अवस्था में वो सुकृति कहलाती है, इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। और अज्ञात सुकृतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद फिर हम साधु संग प्राप्त करते हैं और उस साधु संग से हमारे को और श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा का मतलब ही है, देखो श्रद्धा का बीज है कृष्ण सेवा की वासना। ये पॉइंट्स नोट करने वाले हैं। बीज, बीज से ही तो पेड़ निकलता है। पेड़ है श्रद्धा, बीज क्या है? कृष्ण सेवा की वासना, ये बीज है। यही बीज फ्रक्टिफाई होके श्रद्धा निकल के आया। आया कब? जब किसान ने बीज बोया तभी तो आएगा। ये भुवन उगाने ये सारा काम साधु संघ से होता है। पहला साधु संघ, फिर दूसरा साधु संघ, दूसरे साधु संघ में हम गुरु ढूंढते हैं और गुरु ढूंढने के बाद फिर वैष्णव, वैष्णव के संग हमारा जो भजन है वो भजन प्रक्रिया कहलाता है। उससे अनर्थ दूर होते हैं और जब अनर्थ दूर होते हैं तब हमारे आँख खुलनी शुरू हो जाती है, फिर रोशनी दिखाई कुछ कुछ देने लगती है। विभावरी शेष आलोक परवेश निंद्रा चढ़ी उठ जीव, तब दिखाई देने लगता है। उस समय जीव का अपना स्वरूप जागृत होने धीरे धीरे लगता है। गुरुदेव बतलाते थे जब हम आसक्ति पे पहुंचते हैं तब आभास सा दिखता है, मैं हूं कौन, आ आ मैं हूं क्यों, यही ख्याल उठे है मेरे मन में, मैं हूं क्या, मैं हूं क्यों, मैं हूं क्या, आ आ मैं हूं क्यों, तब पता चलता है कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, और मेरा भगवान से क्या संबंध है, यह पता चलता है। हम सबका एक सुनिश्चित संबंध है। दास्य भाव वाले दास्य भक्तों के पास जाकर उसी तरह से भक्ति करेंगे, ज्ञानी भाव वाले ज्ञानी भक्तों के पास जाके सनक सनंदन सनातन उनके पास जाके वो वैसी भक्ति करेंगे, लेकिन जिन्होंने राधा की पाल्य दासी बनना है वो किसी तरह से भगवान उसको घुमा फिरा के गौड़िया मठ में लाकर बैठा देंगे, यहाँ के साधु लोगों का संग कराएंगे। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी तरह से हमारा भाव क्या है, हमारा भाव है राधा जी की पाल्य दासी वाला भाव, ब्रज का भाव। ये वो भाव है जिसको तरसते हैं, लरजते हैं, और पांच पांडव खड़े हुए हैं राधा कुंड में, वो क्या कहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, पर मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? उनमें कोई दोष नहीं है, वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकारी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनका कॉन्स्टिट्यूशन उसमें नहीं है। उद्धव जी गए, वो 9 महीने वहां रहे, लेकिन उस चीज की तारीफ इतनी कर दी कि उसकी तारीफ से हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन बने नहीं। क्यों नहीं बने? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली वो उद्धव जी हैं, वो गोपी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। ऐसे ही लक्ष्मी जी हैं, बेलवन में तपस्या कर रही हैं लक्ष्मी जी, नारायण की पत्नी, पर वो भी रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकी। कॉन्स्टिट्यूशनली वो क्या है? लक्ष्मी जी हैं। अब नारद जी के बारे में क्या बोलोगे? आज आप गए ना, कहाँ गए? नारद कुंड। नारद कुंड गए, मैं घुमा के यहां ही लेके आ रहा हूं, हम नारद कुंड गए। अब इसमें दो भाव हैं, नारद जी की प्रशंसा कर दें, वाह जी वाह, नारद जी तो गोपी बन गए, नारदीय गोपी बन गए कई हजार साल की तपस्या करने के बाद। पर गुरुदेव इस चीज को कई बार अपने व्याख्यानों में लेक्चर्स में बतलाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनली रहती है। वही नारद जी चैतन्य महाप्रभु के समय में श्रीनिवास पंडित बन के आए और स्वरूप दामोदर जी वो ललिता सखी हैं।
अब ललिता सखी और स्वरूप दामोदर और क्या कहते हैं नारद जी में आपस में बहस होनी शुरू हो गई। और कब हो गई? जब वो जगन्नाथ रथ यात्रा की हेरा पंचमी का, हेरा पंचमी होती है, हेरा पंचमी में आपस में बहस शुरू हो गई। तो श्रीवास पंडित जी नारदीय गोपी बनकर बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, नारद जी ही बनकर बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नारद जी वाली है, वो गोपियों के भाव वाली नहीं है। वो लक्ष्मी जी की तारीफ कर रहे हैं, लक्ष्मी जी की महिमा गा रहे हैं, लक्ष्मी जी के गहनों की बात कर रहे हैं, उनके क्रोध की बात कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं इन गोपियों को क्या हो गया, ये फूलों के पीछे ही पड़ी हुई हैं, हमारी लक्ष्मी जी देखो है हीरे जवाहरातों के पीछे पड़ी हुई है। और तब स्वरूप दामोदर जी कहते हैं अरे तुम तो फूलों की बात कर रहे हो, इस ब्रजभूमि की धूल का एक कणा भी सारे लक्ष्मी जी के हीरे मोतियों को मात करता है। अब कैसे विश्वास हो इस बात का, ये छोटी सी बात का विश्वास कैसे हो। यही चीजें हमको ग्रहण करनी है, गुरुदेव जो हमें देना चाहते हैं समझने चाहते हैं। शिव जी भी आए रासलीला में भाग लेने के लिए, पूर्णमासी ने उनको क्या बना दिया, स्त्री रूप दे दिया, पर रासलीला में भाग ले सके नहीं ले सके, क्यों, क्योंकि अंततः वो शिव जी ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उनकी क्या है, शिव जी है, स्त्री बनने के बावजूद भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब ब्रज में आए हैं और ये साधु संग और परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें इस चीज को अच्छी तरह से समझना है कि हम भगवान के सेवक हैं, पर कौन से सेवक हैं, उसी तरह की सेवा के प्रति हमारी आस्था फिर श्रद्धा फिर आसक्ति फिर चाहत बढ़नी चाहिए, और उसी तरह के भक्तों का संग हमारे को तड़प तड़प के करना चाहिए। जो इसी भाव में डूबे हुए भक्त हैं उनका संग हमें बड़े ही इंटेंसिटी के साथ हमें करना चाहिए। ये गुरु महाराज जी बतला रहे हैं, बड़े सुंदर ढंग से इस चीज़ को बतला रहे हैं। तो कैसे होगा, बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश को पालन करके, उनके उपदेश को पालन करके उनको फॉलो करना है। उनको क्या फॉलो करना है, तो पहला उनका फॉलो एक ही है, क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम, और नीचे है नहीं बोलो क्या है, परम विजेते संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। ये कौन सा संकीर्तन है, ये कौन सा संकीर्तन है, आपने देखा होगा दिल्ली में तो हमने देखा है हर मंदिर में, सनातन धर्म मंदिर में मंगलवार को वीरवार को वो महिलाएं आती हैं और ढोलक बजाती हैं और कीर्तन गाती हैं, तरह तरह के कीर्तन गाती हैं और बोलती हैं हम हरि नाम संकीर्तन करके आ गए। चेतो दर्पण हो जाएगा, नहीं होगा चेतो दर्पण। चेतो दर्पण उस प्रक्रिया से होगा जो भजन प्रक्रिया कहलाती है, जो हम भक्तों के संग में बैठ के करेंगे, गुरुकरण करने के बाद में करेंगे, उससे फिर जब हमारे हरि नाम संकीर्तन होगा उस हरि नाम संकीर्तन में इतनी ताकत आ जाएगी कि वो हमारे चित्त के दर्पण को साफ कर दे। बहुत मेला कपड़ा हो तो डिटर्जेंट और उसके घिसे बिना सफाई उसकी नहीं हो सकती। तो इसलिए इन प्रक्रियाओं को जो हमने परिक्रमा साधु संग और किस भाव में साधु संग, हमें अपना उद्देश्य मालूम होना चाहिए, असर्टेन योर गोल, हमें अपना उद्देश्य हमारी मंजिल मालूम होनी चाहिए, मंजिल के मुताबिक हमारी जो है दौड़ होगी, साधना जिसे कहते हैं। और फिर हम ये महसूस करेंगे कि साधन जो हम कर रहे हैं और मंजिल हमारी जो है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है, यानी हरि नाम संकीर्तन और हरि नाम और हरि नाम के साथ जुड़ना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान और भगवान
के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान भगवान के रूप लीला गुण में कोई अंतर नहीं है। जब ये चीज़ धीरे धीरे हमें महसूस होने लगेगी तब गाड़ी और आगे बढ़ेगी। तो हम गिरिराज गोवर्धन से यहाँ पे इकट्ठे हुए, अपने महात्माओं से जिनकी हमने शरण में आकर और आश्रय लेकर ये परिक्रमा की है और हम भजन कर रहे हैं, सबके चरणों में प्रार्थना करें। प्रार्थना में ही भक्ति और हरि नाम ये दोनों ही काम करेंगे तो हमारे को उस चीज़ की प्राप्ति हो जो हमारा स्वरूप है और वो चीज़ हमारे से निकले जो हमारा स्वरूप नहीं है, मैल छूटे और स्वरूप उठे। बस इसी प्रार्थना से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। 15 मिनट कितने सेकंड हो गए, बिल्कुल पंक्चुअल टाइम। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि, तालियां बजा दो जोर से। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले मैं अपना गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टदर्शन भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज जी के अवैध चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। नित्यल अभ्रष्टंग विष्णुपाद अष्टदर्शन भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। उपस्थित गुरुवर्ग गुरु परंपरा राधा विनोद बिहारी जीव के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक अहिंद की कृपा प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी जन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम निवेदन। हमारा परम सौभाग्य है हम इसी गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रज मंडल परिक्रमा कर रहे हैं। इसी हमारा हम आज गए थे नारद कुंड, पूर्ववर्ती वक्ता महोदय नारद मुनि के महिमा वर्णन कर रहे थे। रथ यात्रा के समय नारद मुनि के कृपा से ही हमें वृंदावन का महिमा सुनने को मिला। नारद मुनि जब प्रश्न पूछे स्वरूप दामोदर जी ने वृंदावन का महिमा प्रकाशित किए। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान कृष्ण जहाँ धनी तहाँ वृंदावन, वृंदावन सहजिक जय संपद सिंधु कोटि ब्रह्म सुखन है तार एक बिंदु। वृंदावन में स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं और यह स्थान भगवान के चरण प्रावित होने के कारण अति पवित्र और अति वह है। और यहाँ सहज लोकर कथा जहाँ दिव्य गीत सहज गमन करे जहाँ चिंतामणि मयोभूमि रत्नेर भवन चिंतामणि गणदासी चरण भूषण, यहाँ सब कुछ चिन्मय है और चिंतामणि स्वरूप है। अनंत कामधेनु जहाँ फिरे भी नहीं बने बने दुग्ध मात्र देह के नाम के अन्य धने, यहाँ सब कुछ कामधेनु स्वरूप जो बांछा करने करने के साथ सब मिल जाता है। परंतु यहाँ के निवासी लोग कुछ नहीं मांगते, कृष्ण की सेवा के लिए जो कुछ चाहते हैं वही प्राप्त करते हैं। सहज लोकर कथा जहाँ दिव्य गीत, यहाँ का लोगों के आचरण अति दिव्य गीत सदृश होता है, उनके बोली उनके चलन सब कुछ उनके चाल जैसे नृत्य प्रतीत होता है, मत वाला चाल चलते रहते हैं।
और ये सब भगवान के नित्य परिकर होते हैं, माने जिसके अति सौभाग्य होता है वो ब्रज वृंदावन धाम में निवास करने की सौभाग्य प्राप्त होता है। और सर्वत्र जल जहाँ अमृत समान चिदानंद ज्योति सदा पूर्ण विद्यमान, यहाँ सब कुछ चिन्मय है और स्वयं भगवान कृष्ण निवास करते हैं। भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान क्यों कहा जाता है? स्वयं भगवान का तात्पर्य है परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान, अनंत वैकुंठ आद अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड या सवार आधार। ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही ये सारे ब्रह्मांड सृजित हुआ है, वो सबका इसी ब्रह्मांड सारे का मालिक है। और भगवान लीला विस्तार करने के लिए ये सब सृजन करते हैं भक्तों का अमृत प्रदान करने के लिए। सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर सर्वरस सर्वशक्तिपूर्ण, स्वयं भगवान सर्वेश्वर पूर्ण होते हैं स्वयं श्री कृष्ण। वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जर उपासन, इसी वृंदावन में काम गायत्री के द्वारा जिनका उपासन किया जाता है वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो सर्वेश्वर पूर्ण होते हैं। सारे ऐश्वर्य उनमें शामिल है, यही कृष्ण का धाम है। और कृष्ण निज परिकरों के साथ अति दिव्य लीला आदि करते रहते हैं। और अनंत ऐसे ही कृष्ण भगवान यही निवास करते हैं और उनके परिकरों के साथ ये बहुत दिव्य लीला आदि करते रहते हैं। इसी हम राधा रानी के स्वरूप उनका नित्य शक्ति राधा रानी भी के साथ ही यही कृष्ण र अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान चित शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति आन अंतरंगा तटस्था बहिरंगा कही जा रहे अंतरंगा तटस्थ शक्ति स्वभाव ऊपर है। कृष्ण का तीन स्वाभाविक शक्ति होता है, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति और माया शक्ति। यही अंतरंगा शक्ति को ही स्वर्ग शक्ति कहा जाता है। बहिरंगा शक्ति माया शक्ति में डिफरेंस क्या है? बहिरंगा को ही माया शक्ति तो कहा, अंतरंगा बहिरंगा माया तीन बताया। हाँ, तो अंतरंगा बहिरंगा तटस्था कही जा रहे अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपर है। ठीक है। सचिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप अदरदार स्वरूप शक्ति धरे तीन रूप, कृष्ण के जो स्वरूप शक्ति अंतरंग शक्ति है वो तीन रूप में प्रकाशित होता है। आनंदांग से देने सदंग से संधिनी चिदंग से संबित जरे ज्ञान करिमाने, जो आनंद का स्वरूप है राधा ठाकुरानी चिदंग से संबित स्वयं भगवान और सदंग से संधिनी स्वयं बलराम प्रभु के ये कृष्ण के आलादे ताते नाम हादिनी सही शक्ति द्वारा सुख आस्वादे अपन कृष्ण के कराए आनंद आस्वादन भक्त गणे सुख दिते हादिनीर कारण। स्वयं हादिनी शक्ति राधा ठाकुरानी भक्तगणों को सारे सुख प्रदान करते हैं। ये राधा रानी ही उनका हादिन शक्ति का अधिष्ठात्री देवी होते हैं। और राधिका राधा रानी आनंद शक्ति होते हैं। राधिका हयन कृष्ण प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हादिन नाम जहा राधा ठाकुरानी ही क्यों राधा रानी ठाकुरानी राधा कृष्ण आचरण सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादित है धरे द्वि रूप। राधा और कृष्ण एक ही है, केवल लीला रस आस्वादन करने के लिए ही दो रूप में प्रकाशित हुए हैं। और राधा रानी कृष्ण का कैसे सेवा करते हैं? राधा रानी कृष्ण का ऐसे ही सेवा करते हैं जैसे कि कृष्ण सर्वक्षण राधा के नाम सुनते ही विवलित हो जाते हैं। क्योंकि राधा रानी का काम क्या है? कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण र सर्व काम। राधा ठाकुरानी कृष्ण की सेवा ही सदैव रूप में करते रहते हैं और कृष्ण को सदैव सर्व काम स्वयं प्रकाशित करते हैं, स्वयं पूर्ण करते हैं। ऐसे ही कृष्ण नाम गुण जस अवतंग सकाने कृष्ण नाम गुण जस प्रवाह वचने, कृष्ण नाम गुण लीलादि वो सदैव अपने ये करते रहते हैं। और ऐसे ही राधा ठाकुरानी कृष्ण का सर्वतोभावे सेवा करते हैं। और देखो कृष्ण कैसे सेवा करते हैं, जैसे कहा जाता है बहु कंता बिना नहे रसेर उल्लास लीलार सहर लगी बहुत प्रकाश। राधा रानी स्वयं अपने से ही कायो व्यू प्रकाशित किए हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए ही, वो कायो व्यू है ब्रज गोपीगण। और ये ब्रज गोपीगण कैसे कृष्ण जी की सेवा करते हैं? ब्रज गोपीगण अति राधा रानी के जैसे
राधा रानी का प्रकाश विग्रह कहा जाता है। एक ब्रज गोपीगण, पूरे महिषीगण, लक्ष्मीगण, ये भी राधा रानी का प्रकाश है, परंतु ये सब कृष्ण लीला के सहाय हेतु ये सब लीला कर रहे हैं। और ये गोपीगण कैसे होते हैं? गोपीगण प्रेम रूढ़ भाव नाम विशुद्ध प्रेम कभी नहीं काम। गोपीगण का प्रेम विशुद्ध और निर्मल होते हैं। आत्मेंद्रिय प्रति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रति वांछा धरे प्रेम नाम। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। ये सब गोपीगण गोपीगणे नहीं कामगंध कृष्ण सुख लगी मात्र कृष्ण से संबंध। गोपीगण प्रेम केवल कृष्ण के सुख प्राप्ति के लिए यही है। देह सुख देवधर्म, देहधर्म लोकधर्म कर्म, देह सुख आत्मसुख लोक सुख मर्म, दुष्ट आज्य पथ निज परिजन, सर्वसह करी करे कृष्ण सेवन, कृष्ण सुख हेतु करे कृष्ण सेवन। ये गोपीगण क्या करते हैं? सब कुछ त्याग करते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए वो अपने सब कुछ त्याग करते हैं। दूसरे माने गृह श्रृंखला माने स्वजन परिजन सब कुछ त्याग करके केवल कृष्ण सुख के लिए ही वो सब करते हैं। वो जो सब श्रृंगार आदि करते हैं वो सब कुछ कृष्ण के लिए ही उद्दिष्ट है। ये गोपीगण कौन होते हैं? गोपिका है गोपीना कृष्ण सहाय गुरु बांधव प्रेयसी। गोपिका है कृष्ण प्रिया शिष्य साखी दासी। ये सब गोपीगण कृष्ण की इसी रूप में सेवा करते रहते हैं। और सच कहने से ये गोपीगण इतना क्यों करते हैं? गोपिका जानेन कृष्ण रो मनेर वांछित प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट परिहित। गोपीना कृष्ण को क्या सुख देता है वो गोपिका ही जानते हैं। गोपिका गोपी जन ही कृष्ण की सेवा सही रूप में करते हैं और अपने सब कुछ त्याग करके जिसके प्रेम के वश होते हुए स्वयं श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैं अपने ब्रह्म के ना पा रहे हम। इसी श्लोक में जो बताया गया है कृष्ण स्वयं मानते हैं कि मैं ब्रह्मा जी के जैसे लंबा आयु पाने के बाद भी मैं आपका ऋण से मुक्त नहीं हो पाऊँगा। इसी धाम है वृंदावन धाम, यहीं ये सब निवास करते हैं रहते हैं। और राधा कृष्ण कुंज सेवा अति लीला एक अति गुणतर। दास्य सख्य बाचलर यह नहीं अधिकार, सबे सखी गणर यह अधिकार, सभ्य सखी गणर यही अधिकार, सखी होते हय यही लीला का विस्तार। केवल सखी गण ही इसी लीला का विस्तार करते रहते हैं। और सखी बिना यही लीला नहीं अन्य गति, सखी लीला सखी बिना यही लीला पुष्ट नहीं है। सखी लीला विस्तार या सखी आस्वादय, स्वयं सखी गण ही इसी लीला को पुष्ट करते हैं और विस्तारित करते हैं और खुद आस्वादन करते रहते हैं। और इसी लीला को आस्वादन करने के लिए हमें सखी अनुगत्य का बहुत जरूरी है। सखी अनुगत्य बिना कार्य आज नहीं गति, सखी अनुगत्य हो जाए करे अनुगति से ही कुंज सेवा सुख यही पाए। और सच कहने से ये सखीगण कौन होते हैं? हमारे गुरुवर्ग है इसी सखी रूप में है। अगर हमें इसी राधा कृष्ण का निगुड़ लीला के जानने आस्वादन करना चाहते हैं हमें इन्हीं गुरुवर्गों के अनुगत्य में ही सेवा परिपाटी हमें सेवा करना है। इसी गुरुवर्ग ही सखी रूप में है वो अभी लीला कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है साधक देह करे श्रवण कीर्तन अंत निज करिया भावन ब्रज राधा कृष्ण करें सेवन। इन्हीं गुरुवर्ग ही राधा कृष्ण की नित्य जन है। ये हमारे सामने देख रहे हैं हम गुरुदेव हमारे साथ विचरण कर रहे हैं ये कर रहे हैं, परंतु ये केवल श्रवण कीर्तन अपने बाह्य रूप में प्रकाश करते हैं, परंतु अंतर रूप से वो सदैव राधा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं उनके नित्य धाम में। इसलिए हमारा परम सौभाग्य है हमें इन्हीं गुरुवर्गों के आनुगत्य में ही राधा कृष्ण की कुंज माने सेवा का आस्वादन कर पाएंगे। ऐसे हम इसी गुरुवर्गों से प्रार्थना करते हैं, सारे गुरु वैष्णव से प्रार्थना करते हैं हमें कृपा आशीर्वाद कीजिए कि हमारे मन में जैसे ऐसी सेवा भावना जागृत रहे और हम सब समय आपकी सेवा में ही उत्सर्गीकृत रह पाएँ। यही ये करके मैं प्रार्थना करके मैं मेरा वक्तव्य शेष करता हूँ। लास्ट
हरे कृष्ण टाइप करो, नीचे उतर रहा है, वो प्रणाम करना चाहते हैं मुझको। हरे कृष्ण, आप लोगों ने नरोत्तम प्रभु से श्रवण किया। ये नरोत्तम का अर्थ नरा नाम उत्तम, नरोत्तम नरो में उत्तम, और वो कौन उत्तम? वैष्णव, वैष्णव उत्तम भाई। और दोनों बहुत स्तव स्तुति भी याद है, प्यार भी याद है, कीर्तन भी याद है। हरे कृष्ण, हम लोग कल गुरु वैष्णव के अनुगत्य में सबसे पहले जाएंगे भानुखोर में भानुकुंड। राधा जी कभी रावल में, कभी भानुकुंड में प्रकट होती है, कभी कृतिका मैया के गर्भ से जन्म लेती है, उनकी इच्छा जैसी इच्छा उनकी। उसके बाद हम जाएंगे साकरीखोर, साकरीखोर के बाद चित्रा सखी का जन्म स्थली चिकसौली, उसको पार करके दानगढ़, मानगढ़, बिलासगढ़, मोरकुठी, वहीं पर दानगढ़ के पास में आप सब लोगों को सब सुबह का प्रसाद दिया जाएगा। कुछ भक्त है मुझे बोलते हैं, मैं अर्जी भाई आऊँगा आऊँगा, ले आता नहीं। कल हमारे ब्रेकफास्ट में पुलाव रहेगा और गुलाब जामुन, और कीर्तन पार्टी को दो दो गुलाब जामुन मिलेगा, सोच लो। मीडिया का भी दो दो मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे श्रीजी मंदिर, राधा जी का जो स्थान है, उधर बैठ के कीर्तन करना और हरि कथा बोलना वो लोग नहीं देते हैं, नीचे आके हम हरि कथा बोलेंगे। उधर हम लोग को देखते ही लोग आके दीपक दिखाते हैं, कुछ प्रसाद दिखाते हैं, उसे पल्ला में नहीं पड़ना, क्योंकि हम लोग को पांडा के पैसा देना ही पड़ेगा, इसलिए किसी कुछ नहीं देना है। हम लोग पांडा को देंगे, हम लोग गौर ये सब बेटे जाएंगे, कलेक्शन पांडा को देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ऊँचा गाँव, फिर दाऊ जी का स्थान, जहाँ गुरु जी को दीपक भट्ट जो बरसाना के गुरु उनका स्थान है, वहीं पर गुरु जी को दिल्ली के एक संस्था, और जो बरसाना के जो दीपक भट्ट अभी है नहीं, जो बरसाना के समस्त जो उनके शिष्य हुए बिना कोई इसमें सेवा नहीं कर सकते, उनके एक संस्था है, दोनों संस्था मिलकर के गुरु जी को जुगाचार्य उपाधि से विभूषित किया था, उस स्थान जाएंगे। लौटते समय संकेत एवं प्रेम सरोवर ये होके फिर वापिस इधर प्रसाद पाएंगे। इन सबको आना है, कोई इधर रहेगा नहीं। और कल बहुत स्थान होने के कारण पौने छह तक निकलना ही पड़ेगा, इसलिए आप लोग मंगल आरती के बाद जिनका अन्य करना है करके तुरंत पौने छह तक हमने गाड़ी छूटना ही पड़ेगा। यदि अन्य रह जाए गाड़ी में बैठ के कर लेना। आज हम लोग गए थे पहले नारद कुंड। नारद जी का चरित्र अद्भुत है, बोलते हैं नामटी आमार नारद ऋषि बाधाई सुधु झगड़ा, ताते आमार आनंद जे मजा देखो तुमरा तुमरा तुमरा। बोलते मेरा मुनि आपका नाम क्या? बोले नाम नारद मुनि। आपका काम क्या है? बोले मैं लड़ाई पकड़ रहता हूँ। किसके साथ? माँ बेटा में, बाप बेटा में, माँ बेटी, बाप बेटी, मित्र मित्र, विशेष करके प्रिय प्रियतमा में लड़ाई करके, लड़ाई कराकर मुझे बहुत आनंद होता है। हम लोग क्या करें? मेरे साथ आ जाओ, मजा देख लो। बोले माई नेम इज नारद ऋषि, व्हाट इज योर प्रोफेशन? माई प्रोफेशन टू अरेंज कॉल बिटवीन मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, ब्रदर बिटवीन ब्रदर, स्पेशली बिटवीन लवर एंड बिलवेड, दिस इज माई प्रोफेशन, व्हाट शैल आई डू? व्हाट शैल वी डू? आई हैव ए फन क्लब, यू कैन जॉइन इन माई फन क्लब, हियर सम फन, सो कम। सो नारद जी क्या करते हैं? ऐसे बाह्यिक दृष्टि से लड़ाई लगा करके क्या करते हैं? भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाते हैं। बाह्य दृष्टि से लड़ाई देखता है, लेकिन भक्त भक्ति भगवान का उत्कर्ष दिखाते, जैसे ये दिखाया वन महाराज जी, त्रेता युग का बताया था कुछ, और कली युग का ये सब बताया। हमारे आराध्य देव ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर होने के कारण पहले मैं दापर युग का उदाहरण दे रहा हूँ, फिर त्रेता का और सत्य का, कि वन महाराज पॉइंट को मैं टच नहीं करूँगा। दापर युग में जब कृष्ण छोटे थे, एक दिन नारद ऋषि
भिक्षा की झोली लेकर के आए भिक्षा करने के लिए। मैया देखा मुनि ऋषि है, नारद से लंबी दाढ़ी, ये सब जटाजूट है, तो बताया माँ ने कहा बेटा जाओ वो साधु को प्रणाम कर लो। रूप गोस्वामी दिखा रहे अपने भक्त स्वामी सिंधु में, कृष्ण देखते हक्का बक्का चक्का हो गए। ये दुबला पतला, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, साथ में एक बहुत बड़ा बैग है, नरोबत लीला कैसे देखिए कृष्ण का। बोले जस्वामी ओसन भीषण संविधंग जीर्ण शीर्णाकृते मातर निस्सति मांग पिधाय कपटी दाधारी बकायमसौ इत्युक्ता चकिताक्षमद्भुत शिशु वीक्षमान हरौ हस्संतस्य निरुद्धतो अप्यति तरंग व्यक्तं तदासीन मुने। माँ जशोदा कह रहे बेटा जा साधु का चरण स्पर्श करके आ। कृष्ण तो एकदम चकित हो गए, मैया ये दुबले पतले इस व्यक्ति के पास मैं नहीं जाऊंगा, क्यों बेटा? बोले मैया देखो उसके पास एक बहुत बड़ा बैग है, मैं तुम्हारे छोड़ के जाऊंगा ना, वो कपटी साधु है, साधु नहीं है, मुझे पकड़ करके अपने झोले में डाल करके भाग जाएगा, मैं ही नहीं जाऊंगा। और कृष्ण इधर उधर देखने लगे चकित होकर के। ये देख करके नारद ऋषि अपने हंसी को संवरण करना चाहा, जितना करना चाह और जोर से हंस दिया। ये रूप गोस्वामी पाद अपने भक्तों सिंधु में दिखाया, ये नारद ऋषि का। अब आते हैं नारद ऋषि का और एक दापर की लीला। दापर युग में जब झूला के समय ललिता देवी ये बाजूबंद हार मुकुट बना रही है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, कभी बनाते तोड़ते फिर बनाती हैं। नारद आके ललिता देवी आप कर क्या रही हैं, बनाती हैं तोड़ती क्यों? बोले मुझे लगता है नाप सही नहीं हो रहा है। बोले ठीक है मैं कृष्ण को बुला देता हूँ। कृष्ण को बुलाया, झूला में बैठे, ललिता खुद बना करके कृष्ण को सजाया, बहुत सुंदर हो गया। और कृष्ण कौन है? भक्त वत्सल दे प्रभु, मैं आपको ललिता के साथ कभी झूलते देखा नहीं, थोड़ा झूलिए। ऐसे अनुनय विनय किया और कृष्ण ललिता का झूलने लगे। अब नारद क्या किया, सीधा चले, राधिका जो श्रृंगार कर रही थी तैयार हो रही थी आने के लिए, बोलते हे राधिके मैं तो पहले सोचता था कृष्ण तुमसे सबसे प्यार करते हैं, आज तो मैं अलग कुछ देखा, मेरा बिना भी कह रहे हैं ललिता कृष्ण ललिता कृष्ण। और समय नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, तुम्हारा बिना से बोले क्यों गा रही है। बोले देवी मैं क्या करूं, आंखों देखा हाल आपको बता रहा हूं, ललिता के साथ झूल रहा है, मैंने बताया प्रभु था ठहरिए। बोले नहीं कोई चिंता नहीं है। बोले सच? बोले बिल्कुल सच। बोले लेकिन मैं सामने जाऊंगा नहीं, आपको दूर से दिखा दूंगा कौन से कुंज में। नारद से चुपचाप राधा को दूर से दिखा दिया और राधा जी सामने आके देख करके पैर को पिटक पीटते हुए धप 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 करके जाने लगी, पैर में नुपुर है बजने लगा। कृष्ण क्या बात है, राधा इधर बिगड़ क्यों गई? कृष्ण दौड़ते आगे घेरा, मक्कर जाओ, तुम बोलते प्यार करता हूं सबसे अधिक, ये प्यार का निशानी है। और ललिता को लेके झूल रहे, झूले ललिता दामोदर कुंजन में, ये क्या व्यवहार है तुम्हारा? कृष्ण महाराज मानते मानना ही नहीं चाह राधिका। बोला अच्छा ये बताओ तुम क्या नारद के पल्ला में तो नहीं पड़ी? बोले नारद तो मुझे बताया। तब राधा जी को कृष्ण सांत्वना दिया, समझाया, ये नारद जी की लीला है। आते हैं त्रेता में। त्रेता में हुआ क्या, जब भगवान रामचंद्र 14 वर्ष वनवास काट करके आके राजा बने और उनके परिवार में विश्वामित्र गहरा संबंध था, क्यों? शादी चारों बेटा का शादी करा दिया। महाराज दशरथ चल बसे, रामचंद्र की तीनों माताएं उनको बहुत सम्मान करते, रामचंद्र करते ही थे सब भैया। अब हुआ क्या, पहले केवल राम जी की शादी की बात हुई थी, राम जी आके विश्वामित्र से कहा गुरुवर हम चारों एक दिन में जन्मे, एक साथ गुरुकुल में गए, मेरी शादी होगी, हम तीनों भाई कुमार रहेंगे, ठीक है मैं देखता हूँ। फिर विश्वामित्र ऋषि सतानंद से बात करके
चारों का एक दिन में शादी कराया। इसलिए विश्वामित्र ऋषि का बहुत सम्मान है। विश्वामित्र आए, आते ही सब लोग उनको उठ करके सम्मान करें, और पीछे के तरफ से एक छोटे से राजा बैठा हुआ था जिसका नाम था शकुनी। ये दुर्योधन के मामा शकुनी नहीं, दापर में त्रेता में, नाम एक है व्यक्ति अलग है। बोले तुझे प्रणाम करने जाने की जरूरत नहीं। नारद से माना कि ऐसे जाए, गए नहीं। और विश्वामित्र नोटिस किया एक व्यक्ति दूर में बैठा आया ही नहीं। जब सब लोग बैठ गए, ऋषिवर प्रभु राम से कह रहे, राम देखो उधर जो बैठा हुआ है शकुनी और मुझे प्रणाम नहीं किया, उसके क्या करोगे तुम? बोले प्रभु आज मैं सभा स्थगित करता हूँ, आपके सामने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ, काल सूर्योदय के बाद उसका मस्तक आपके चरण में रखूंगा रखूंगा रखूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई, जो मैंने कही वो बिल्कुल करूंगा सही। ठीक है, अब किसी को रामचंद्र मारेंगे दोनों क्या होगा? वो दिन में तारा चांद दिखेगा, अब तो रोने लग गया, क्या करे? नारद बोले तुच्छ काम के लिए रो रहा है डरपोक कहीं का। बोले ऋषिवर आप तो शादीशुदा नहीं हैं, आप ये तुच्छ बात है, मैं बाप आपका एक लत्ता लड़का हूँ और मेरी कितनी नवजुवती कितनी सुंदर किशोरी छोटा बेटा भी है, मैं मरूंगा मेरा माँ बाप मर जाएंगे विरह में और मेरी पत्नी भी बच्चा पूरा वंश बर्बाद हो जाएगा। बोले अरे छोटी सी तुच्छ बात के लिए मैं चुटकी बजाते ही सब कर दूंगा, मैं जो बोलूंगा मानोगे? हाँ ऋषिवर मैं मानूंगा, उपाय तो नहीं है। बोले एक काम करो, तुम जाके अंजना पर्वत चले जाओ, जहाँ हनुमान जी की माँ अंजना देवी रहती हैं, जाके उनके पास जाके उनके आंगन के बाहर सिर पटक पटक करके रोने लगना ऐसे करके, लेकिन वो बोलना नहीं। जब माया बोले बेटा क्यों रो रहे हो, बताना मुझे कोई मारने वाला है? आप अपने बेटा से कहिए काल सूर्योदय के बाद के मार्ग में रक्षा करें। बोले जो तुच्छ चीज के लिए तो मेरे पास आया, कोई बात नहीं। बोले आपको बेटा को बोल ठीक है, जगत में चार मातृभक्त हैं, त्रेता युग में लक्ष्मण और हनुमान, द्वापर युग में व्यासदेव, कलि युग में महाप्रभु, और एक कलि युग में है वो कौन है? हमारे हरिदेव। वो जो माँ जब तक नहीं कहेगी तब तक गैरिक वस्त्र नहीं लेगा। अब ये चार मातृभक्त हैं, वो जाके रोने लग गया। मैया बोले बेटा तू रो क्यों रहा है? और जोर रोने लग गया। बोले किसने मुझे काल आज अगले काल सूर्योदय के पश्चात मुझे मारेगा? आप अपने बेटा से कहें मेरी रक्षा के लिए। अरे ये तुच्छ बात के लिए, अभी व्यवस्था करता हूँ। आग बंद के हनुमान हनुमान पुकारने लगे। जय पुकारने लगे, हनुमान एक जाम में आके माँ के पैर छुआ। माँ क्या विपत्ति आ गई, तो मुझे क्यों इतना पुकार रही है? बेटा विपत्ति मेरी नहीं है, ये मेरा शरणागत है, इसकी विपत्ति। क्या विपत्ति? तो बताया कल सूर्य उदय के उपरांत कोई मुझे मारेगा, मुझे रक्षा करने वाला। हाँ हाँ, बोले आपके माँ के सामने कसम खाइए, तीन बार प्रतिज्ञा कीजिए। ठीक है, काल सुबह सूर्य उदय के उपरांत मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा रक्षा करूंगा रक्षा करूंगा, विश्व कोई भी तुम्हें मार नहीं सकता है, जाओ। और तुम जाके सो जाओ, विश्राम करो, रात को सोने के बाद सूर्य उदय के पहले मेरे पास आ जाना, मैं इधर माँ के पास इधर ही रहूंगा। अब जिनको प्रभु राम मारने वाले तो क्या विश्राम करेगा और क्या सोएगा? बोला अच्छा एक बात सुनो बेटा, कौन मारेगा? प्रभु राम। अरे बाप रे बाप, तू मुझे प्रभु से भिड़ा दिया। अच्छा तो सच सच बोल, रोका तो करूंगा, माँ से प्रतिज्ञा किया। मेरे पास तुझको किसने भेजा? वही नारद ऋषि। हाँ अब मैं समझा प्रॉब्लम में कर पार्सन सेंड यू टू मी, आई अंडरस्टैंड क्लियरली, ओके व्हाट हैपेंड हैपेंड, व्हाट आई प्रॉमिस टू माय मम, आई मस्ट फुलफिल माई प्रॉमिस, डोंट वरी, जाओ। चले गए। सुबह सूर्योदय बहुत पहले आ गए ब्रह्म मुहूर्त में,
और प्रभु रामचंद्र सूर्य वंश में आने के कारण सुबह उठ के सूर्य अर्घ देते हैं। ओम जवा कुसुम संकाशम कश्यपेयं महाद्युतिं धन्तहारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। इसे स्तुति करके लक्ष्मण मेरा तीर धनुष दो, दे दिया। अब प्रभु राम तीर धनुष लेके ढूंढ रहे हैं और यही आ रहे हैं, देखा दूर से देख लिया प्रभु राम आ रहे हैं, तीर इसमें तीर चढ़ा हुआ है, वहां के हनुमान के ऐसे करके। अब राम दिखाई तो दुबक दुबका गया हुआ है। हनुमान, राम जी कर हनुमान प्रणाम किया। हाँ प्रभु, क्या बात है? हटो प्रभु, आप तो मुझ पर कभी बिगड़ते नहीं, आज इतना क्यों बिगड़ रहे हैं? ऐसे कहा गया, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण को सेल लगा, लक्ष्मण जी ना बूटी के बिना, बूटी मिले ना प्रभु राम हनुमान के बिना, जगत चले ना प्रभु राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो प्रभु आप तो कभी मुझसे बिगड़ते नहीं, ऐसे क्यों बिगड़ रहे हैं? हनुमान तुम हट जाओ। प्रभु बताइए तो। बोले मैंने प्रतिज्ञा किया इसको आज मारूंगा। क्यों प्रभु? ये गो बेचारा का क्यों मारेंगे? इसने काल भरी सभा में विश्वामित्र ऋषि का अपमान किया, प्रणाम नहीं किया, इसलिए मैं प्रतिज्ञा किया। अच्छा प्रभु, और नारद जी क्या है ऊपर से तमाशा देख रहे हैं। अब हनुमान का, प्रभु मैं अपने माँ से प्रतिज्ञा किया, आज मैं इसको रक्षा करूं, विश्व ब्रह्मांड में कोई भी हो इसको मार नहीं सकते हैं। यदि आप इनको मारना ही चाहते हैं, पहले मुझको मारिए, मुझसे लड़िए, फिर मेरे मरने के उपरांत आप मेरे डेड बॉडी के ऊपर से जाके उनको आक्रमण कर सकते हैं। प्रभु आपका तुर कितना अस्त्र है? हनुमान जी गदा लिया, गदा लेकर के जय श्री राम खड़े हो गए। प्रभु चलाइए, क्या अस्त्र है आपके तुनीर में? राम बोला, हनुमान मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हें तीर चला मतलब अपने हृदय में तीर वेदना तो नहीं कर सकता। अब नारद से देख के उतर रहे रामचंद्र तो हंस ऑफ ए डिलेमा, क्या करें? नदी बिना लिया, जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय सिया राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। इस करके राम जी के प्रणाम, प्रभु आप कुछ उदासी उदासी देख रहे हैं, बात क्या है? मानो नदी कुछ जानते ही नहीं, वो तो सबके जड़। बताया, हे नारद जी मैं धर्म संकट में फंसा हुआ हूँ। प्रभु आपके धर्म संकट? वो कैसे? देखो मैं विश्वामित्र से प्रतिज्ञा किया कि ये विश्वामित्र ऋषि को ये बदमाश सम्मान नहीं किया, प्रतिज्ञा किया आज सूर्योदय के पश्चात इसका सिर ऋषि वर के चरण में मैं रखूंगा। प्रभु इतनी सी बात है, ये तो मैं चुटकी बजाते ही समाधान करते, बहुत तुच्छ बात है। शकुनी सोच रहे हैं नारद ऋषि के डिक्शनरी में एक ही वर्ड है, तुच्छ बात है और कुछ नहीं है। मेरा जीवन संकट तुच्छ बात है, राम जी संकट में तुच्छ बात है, कैसे करोगे? प्रभु चलिए ना, मैं अभी कर देता हूँ। आगे आगे प्रभु राम, फिर उसके बाद हनुमान जी, नहीं रामचंद्र के पीछे वो व्यक्ति, फिर हनुमान जी, फिर नारद ऋषि जा रहे हैं। सभा में पहुंचे, विश्वराम, हाँ प्रभु व्यवस्था, प्रभु व्यवस्था किया। तब नारद ऋषि का, प्रभु क्या प्रतिज्ञा किया था आपने? बोले मैंने प्रतिज्ञा किया था आज सूर्योदय के बाद, क्योंकि ये ऋषिवर को सम्मान नहीं किया, सिर इनके चरण में रहेगा, नरोत्तम इधर आओ, नहीं तो अनिरुद्ध आ जाओ, यहीं खड़ा हो जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, हाँ खड़ा हो जाना, हाँ बस ऐसे करके, बस यहीं पर बैठो,
ठीक है। बोले प्रभु क्या प्रतिज्ञा किया था? बोले काल में प्रतिज्ञा किया था, ये ऋषिवर को सम्मान नहीं किया इसलिए इसका सिर ऋषिवर चरण सूर्य के बाद रखूंगा, सूर्योदय हो गया। नादी प्रभु समय नष्ट क्यों करें, शुभ शीघ्र शुभ काम शीघ्र करना चाहिए। अब तो घाटबीट शुरू हो गया, देखो तो आके इधर मारेंगे। बोले प्रभु तुच्छ बात है, क्यों देर कर रहे हैं? फिर ऋषिवर से पूछा, ऋषिवर प्रभु राम ने क्या प्रतिज्ञा किया? प्रतिज्ञा किया था कि इसका सिर आज सूर्योदय के बाद इसके चरण में ऋषि मेरा चरण में रहेगा। प्रभु राम यही प्रतिज्ञा? हाँ प्रभु जल्दी कीजिए। राम अस्त्र उठाया, प्रभु ठहरिए, आपने तो नहीं का काट के देंगे। बोले नहीं, ये नहीं बताया, ये काट के दूंगा। इन बोलता है इनका चरण उनका सिर आपके चरण में रहेगा, मैं काट के दूंगा, ही नहीं बताया। तो नारद जी क्या किया? नारद जी इसका राम का हाथ इसमें लेकर के घूमो, ले इसी के चरण में रख दे, रख दिया। आज सब लोग ताली बजाने लगे, जाओ बैठ जाओ। अब हुआ क्या, सबका प्रतिज्ञा हो गया। देखिए नारद जी चरित्र, अब सत्य के बताने जाओ समय लगेगा, इसलिए सत्य के युग के बाद दूसरे किस दिन कहूँगा, क्योंकि आज जल्दी छोड़ देना है। अब देखिए हम लोगों का तीरथ महाराज छोड़ के चले गए, चले नहीं गए, मेरा दोनों हाथ पैर बांध करके बीच समुद्र में गिरा के गए। जब कभी भगवान मिले उससे अच्छी तो लड़ाई करूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। हम दोनों को गुरु जी एक साथ ट्रेन किया, सब सिखाया। जाने के बाद मेरा ही मन बहुत उदास हुआ, सबका हुआ, इसलिए मैं अपने बच्चे को जो गुरुवर सीखा उनको जैसे हवन करना, उपनयन हवन, भित्ति पूजा और दूसरे मृत व्यक्ति प्रसाद निवेदन विग्रह से एक एक करके सिखा रहा और सिखाते रहे सबको, जो जो चाहना सिखा दूंगा। तो अब तीर्थमा जी का समाधि नवद्वीप में उनका समाधिस्थ किया गया है, आप लोग जानते हैं। और उनका जो समाधि मंदिर जल्दी बनेगा। और उधर जब मैं दिल्ली में गया था अपने गर्म वस्त्र लाने के लिए, रामचंद्र प्रभु से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि इधर एक बहुत बड़ा नाट्य मंदिर काम सेट बनेगा। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु गोविंद को और सब कह के कंगाल को बुलाते थे और प्रसाद देते, लूटपाट के खाते, महाप्रभु बहुत खुश होते, इसका वर्णन शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। उनके उपरांत प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के समय भी प्रभुपाद क्या करते, गरीबदेव बुला करके खिलाते। परमदेव ऐसे किया, गुरुदेव तीनों गुरुवर्ग शिलोभक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज, शिलोभक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, शिलोभक्ति त्रिविक्रम से मैं समय यही देखा, कांगाली भोजन। उसके बाद हम जब नए मठ में आए, गुरुदेव क्या करते, ये जो साधारण उत्सव जगन्नाथ मिश्र के पहले अन्न दाल सब्जी हो जाता, उसके बाद दो तीन कढ़ाई खिचड़ी बनवा देते और लोग आके ले जाते, हम लोग भी दैया, लोग लूट लूट करके ले जाते। गुरुदेव बहुत हंसते, मैं बच्चा हंस क्यों रहे हैं? बोले ये जब कांगाली भोजन महाप्रभु कराते, मैं गुरुवर्ग कराया। ऐसे लास्ट ईयर तक हमने ऐसे ही किया, पहले तो सब भक्तों को सोयाबीन का आलू सब चकाचक रसा खिला दिया, चावल खिला दिया, उसके बाद खिचड़ी सब आते हैं लूट के ले जाते हैं, देते हैं, किंतु कौन इतना देंगे, वो खुद ले जाते हैं। तीर्थ महाराज के सामने विशाल नाट्य मंदिर काम सेट होने पर क्या होगा, जो पहले प्रपोज था मुझे तीर्थ महाराज बोला था और उनके शिष्य संजय अग्रवाल भी बोला था। तो रामचंद्र जी कह रहे थे सेट होने वाला सबसे बहुत बड़ा लाभ होगा, जितने बड़े संभव नाट्य मंदिर बनाया जाए उसमें लोग सोएंगे, प्रसाद भी पाएंगे, ऐसे कांगाली भोजन करेंगे, ये देखकर तीर्थ महाराज बहुत प्रसन्न होंगे और उसमें 500-600 लोग सो सकेंगे, प्रसाद भी पा सकेंगे। हर साल हम जो उधर पंडाल बनाते हैं प्रसाद के लिए, उसका ही खर्च बहुत कम हो जाएगा। और ये नाट्य मंदिर काम सेट एवं समाधि मंदिर के लिए भी, समाधि वही बात, समाधि छोटा बनेगा, वैसे भी जैसे नाट्य मंदिर काम ये होगा इतना बड़ा नहीं होगा। और क्या होगा, उसमें
तीर्थमाला के दो शिष्य, एक अभिषेक और एक संजय अग्रवाल, वो लोग भी वही दोनों ही इसको देखेंगे। और दोनों ही उनके तीर्थमाला के बहुत विश्वस्त शिष्य हैं, उनका भी गुरु निष्ठा है, और वो मुझे ड्राइंग भी दिखाया। आज यही कह करके समाप्त कर, हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महामंत्र। दोपहर का महाराज बोले दोपहर का प्रसाद अगर वहीं पर करेंगे ना, यहाँ कर पाएंगे उधर संभव नहीं। पुलिस से स्ट्रिक्ट माना है, बाहर से बिल्कुल माना है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी फिर गुरुदेव हो नहीं पाता है। कोई उपाय नहीं है, लोग तो प्रसाद तैयार थे, पुलिस स्ट्रिक्ट माना है। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब पीछे पीछे ताली बजाते हुए कृष्ण हरे 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 राम उन्होंने सर्वत्र हरि नाम का प्रचार किया। अभी जो पाप था ना, वो बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जिस घर में जाओ उसी घर में गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लेकिन भगवान का नाम किया मंगल भवन मंगल हरि। जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ पर पाप ताप दुख कष्ट कुछ भी नहीं रह सकता है। अभी ये पाप तो बड़े दुखी होकर के ठाकुर के पास में गए। अरे ठाकुर जी, जगत में ऐसे नाम लाए हो जहाँ आपका नाम हो कितना मधुरम मधुरम में तत् मंगल मंगला नाम सकल निगम बल्हे सतफल चीति स्वरूपम। भगवान का नाम कैसे है? बोले मंगल से भी मंगल है और मधुर से भी मधुर भगवान का नाम। और जितने वेद पुराण उपनिषद अगर सारे शास्त्रों को मंथन करो, अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो ठाकुर जी की नाम। बोले आपका नाम जहाँ पर हो तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे को आप जान से मार दो। बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हें स्थान भी देता हूँ। बोले कहाँ पर मेरी स्थान है? बोले जब हरिनाम कीर्तन हो, जो व्यक्ति ताली बजाते हुए मेरे नाम को करेंगे, पाप तो ऊपर उड़ जाएगी। लेकिन पाप तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर? बोले जो ताली नहीं बजा कर हरिनाम नहीं करेंगे उनकी सर पर ये पाप जाकर बैठ जाएगी। इसलिए सबके सब जब कीर्तन हो मीठी मीठी ताली को साथ में सबके सब हरिनाम करना। बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राधे राधे गोविंद।
करते हैं, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं उनका तीन काम हो जाता है। कितना काम हो जाता है? क्या क्या बोलो? बताओ तीन काम क्या हो जाता है? देखो बड़ी बहुत बड़ी बात बताते हैं। पहला काम ये होता है, यमपुरी में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। ये चित्रगुप्त कौन है? बोले गुप्त रूप में जो सारे चित्र को फटक फेंकता है उसका नाम चित्रगुप्त है। इसलिए अगर कोई हरिनाम करे तो जब महाराज चित्रगुप्त को बुला कर कहते रजिस्टर लाओ। बोले क्यों? बोले इसका नाम को काट दो। अभी हरिनाम कर रहा है ना, वो कभी नरक नहीं आएगा। ये पहला काम। दूसरा काम क्या है? बोले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती की थाला लेकर के सजाना शुरू करता है। बोले किस लिए? बोलो हरिनाम कर रहा है ना, वो भूर भुवा मोह जन तप सत्यलोक को पार करते हुए जब भगवत धाम को वो गमन करेगा, वो बीच में ब्रह्मा जी आरती उतारेंगे। कितना बड़ा काम है? दो काम हो गया। बोले तीसरा काम क्या है? बोले गोलोक वृंदावन श्री राधा रानी अपना सखी से कहती है रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति हरिनाम कर रहा है ना, उसका नाम को लिख दो। उसकी नाम को लिख दो। आज यदि कोई नाम नहीं करे तो कहाँ भेजेंगे उनको? नरक में। बड़ो। इसलिए बोले भगवत नाम जप करने का इतने महत्व है। इसलिए साधारण व्यक्ति का जीवा से प्रभु का नाम नहीं उच्चारण होता है। बोले जनय पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठति भारत। इसलिए कृष्ण कहते हैं हे भारत, हे अर्जुन, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर जी की अर्चन पूजा की है उसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम उच्चारण होता है। इसलिए कुछ लोगों को बोले दिन भर भगभग भगभग करते रहेंगे लेकिन बोले थोड़ा माला जब कर, बोले मेरे से नहीं होगा। मतलब क्यों? पापी है ना। इसलिए पापी लोग भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। इसलिए सबके सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम Thank you.
will want to watch live parikrama, so you can watch with you can watch our channel tomorrow morning from 5:30 a.m. कल हम बरसाना परिक्रमा का लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे सुबह 5:30 बजे से, तो आप बिना मिस के सुबह 5:30 बजे आ जाइए। थैंक यू सो मच।